हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग जा रहे हैं ना, अभी सुबह के बजे हैं 11 और अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे हाथों का जो एलर्जी है ना, हर कहीं तो ठीक हो गया है लेकिन हाथ और पैर में थोड़ा सा है, तो उसको दिखाने जाना है। और अभी ऐसा टाइम है ना, हर किसी को एलर्जी हो रखा है, साथ में गोपी को भी लेके जा रही हूँ। और ना मेरे को जाते जाते ना मेरे को वोमिटिंग हो गई, और पता नहीं क्यों आज अजीब सा लगा मुझे, बहुत तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी गाड़ी में ही, तो फिर गाड़ी में नहीं किया मैंने, बाहर ही वोमिट किया। काफ़ी मतलब अजीब सा हो रखा था आज। और यहाँ पे एक है लेबू, जो बाताबी लेबू कहते हैं बंगाली में, और कोई कोई छेलम लेबू भी कहते हैं। छेलम मुझे अच्छा नहीं लगता है नाम, बट मैं प्यार से बाताबी लेबू ही बोलती हूँ उसको। तो ये बड़ा सा, मम्मी या पापा कहीं गए थे ना, मतलब मेरे मम्मी पापा कहीं गए थे तो वहीं से लेके आए हैं, तो ये तो हो नहीं पा रहा है हमारा खाना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं अपने मायके ही भेज दूँगी। और आज मैं लेके आई हूँ ये वाला पर्स, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला पर्स, और इसके अंदर है छोटू सा एक बैग। और ये जो बैग है ना, मेरी एक सिस्टर का है, तो मैं बताऊँगी इसकी कहानी कभी किसी और दिन। और इसके अंदर है ढेर सारे पैसे। जो गाना चल रहा था तो मैंने भी सोचा चलो थोड़ा साथ साथ गा लूँ, और बाहर ना काफ़ी गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा, और देखो कितना धूप है। और गाइस पता है मुझे ना बोला है डॉक्टर ने कि धूप में प्लस घास फूस पकड़ना मना है, ये दो चीज़ों से मुझे बहुत मना किया है, बहुत ही ज़्यादा, कि ये इन दोनों चीज़ों से एकदम दूर रहना, धूप और घास फूस, मतलब पेड़ पौधे से एकदम दूर रहना। तो यार मैं पेड़ पौधे के बिना तो रह नहीं सकती, धूप के बिना रह सकती हूँ लेकिन उनके बिना तो मेरा जीना मुश्किल है गाइस। वही तो मेरे एक है जो समझते हैं मुझे, लेकिन क्या करें। तो अभी घर हमारा डॉक्टर दिखाना हो गया है, घर जाने से पहले थोड़ा हम आए हैं जूडियो, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं। विशाल में तो हम जाते रहते हैं लेकिन जूडियो में देखते हैं, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में हर चीज़ मिलता है, लेकिन ये चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे विशाल में जैसे प्राइस है ना, यहाँ पे भी वैसा ही सेम प्राइस है, तो फिर भी सही है। 500 के बीच आपको अगर कुछ लेना है तो काफ़ी अच्छा मिल रहा था यहाँ पे। और मुझे तो माधव के लिए काफ़ी सुंदर सुंदर ड्रेस दिखा, तो अभी तो मैंने कुछ लिया नहीं उसके लिए, आऊँगी कुछ दिन के बाद लेने। ये शर्ट वगैरह मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैं सोच रही हूँ अभी तो बहुत गर्मी है तो अभी लेके क्या फ़ायदा, पूजा के टाइम आऊँगी तो यहाँ लेके जाऊँगी। मुझे ग्रीन वाला शर्ट बहुत पसंद आया था, तो मैंने बोला कि मैं दुर्गा पूजा में आऊँगी तो लेके जाऊँगी। यहाँ पे देखो गर्ल्स सेक्शन भी है, काश मेरी एक माधवी होती तो मैं लेके जाती उसके लिए पक्का। और मैंने एक ड्रेस देखा, काफ़ी सुंदर लग रहा था, काफ़ी प्रिटी लग रहा था, तो मैंने गोपी को भी दिखा रही थी कि गोपी देख कितना प्रिटी लग रहा है। और इधर है गर्ल्स बॉयज़ दोनों का जो टी शर्ट शर्ट वगैरह है, सॉरी टी शर्ट पैंट वगैरह है। और मैं चली आई नीचे और मैंने एक ड्रेस वेयर किया है, तो सोची थी कि मैं इसको लूँ, तो मैंने दो देखा था लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगा, ढीला ढाला सा, क्योंकि मुझे ढीला ढाला बहुत पसंद है, और ये वाला मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो गाइज़ हम लोग घर चले आए हैं अपने मायके में, और मायके में आज पूजा था, मम्मी ने आज भागवत किया था घर में, तो देखो यहाँ पे मम्मी ने खीर भी बनाया था, काफ़ी टेस्टी लग रहा था खीर देखने में, प्रसाद है। तो इधर बूंदी, उसके बाद जलेबी, बहुत कुछ दिया था मम्मी लोगों ने, मतलब ये भागवत टाइप का है, छोटा मोटा एक भागवत है। और यहाँ पे हो रहा है प्रसाद वितरण, तो सबको मैं प्रसाद दे रही थी। और ये मेरी एक नानी है जो कि मेरे मामा के घर के साइड की है, तो वो काफ़ी अच्छी है, मतलब बहुत ही प्यारी है ये नानी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इनके जो बेटे हैं ना वो भी बहुत अच्छे हैं मामा लोग, मतलब मेरे हस्बैंड जितने भी प्रोडक्ट है ना वो सब मामा लोगों के शॉप से लेते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मामा लोगों का नेचर, प्लस नानी मामी सब लोग काफ़ी अच्छे हैं, इनका नेचर बहुत ही अच्छा है, मतलब कह लो ना एक भद्रो परिवार जिसे कहते हैं। तो अभी ना जैसे मैंने नहाया है थोड़ा, क्योंकि ना बहुत गर्मी लग रहा था, तो
चलो बेड पर चलते हैं और मम्मी के घर में हो रहा है भागदौड़, जो कि आप लोगों को मैंने पहले ही बोला है। और मैं लेके आई थी जूडियो से वाला ड्रेस, तो मैंने पहन लिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है।